हेलो गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एयर जॉर्डन 1 लो। तो शुरू करते हैं। तो ये जो जॉर्डन 1 लो है, इसके कलरवे का नाम है लाइट करी या ऑरेंज, आप कुछ भी बोल सकते हो। ऑल्सो ये एक स्पेशल एडिशन स्नीकर है। तो चलिए मैं अभी इसको अनबॉक्स कर देता हूँ, साथ ही मैं अपना रिव्यू दे दूंगा ये स्नीकर के रिलेटेड। तो ये रहा हमारा बॉक्स, आप जैसे देख सकते हो, नथिंग स्पेशल। जैसे हर एयर जॉर्डन लो के बॉक्स होते हैं ब्लैक एंड गोल्ड कलर का, ठीक वैसे ही बॉक्स है। एक बार आपको स्नीकर निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा स्नीकर, आप जैसे देख सकते हो। क्वालिटी वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा ये स्नीकर, और कलरवे वाइज मेरे को ओकेश लगा। मेरे को ये कलर इतना अच्छा नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट। चलो एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये स्नीकर में है ना, ऑरेंज, ऑफ वाइट और ऑलिव कलर का कॉम्बिनेशन है। जहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पूरा ऑरेंज कलर दिया हुआ है स्नीकर में, ये पूरा है ना स्वेट लेदर का है। एंड ये जो ऑफ वाइट कलर का जो मटेरियल दिख रहा है आपको, ये पूरा कैनवस मटेरियल है। एंड ये जो ऑलिव ग्रीन देख रहे हो नाइकी का लोगो, ये है ना स्वेट लेदर है। अगेन फ्रंट साइड ऑफ द स्नीकर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर का लेस दिया हुआ है। एंड ऑल्सो आपको एक्स्ट्रा लेस दिया हुआ है ऑलिव कलर का, जो एक अच्छा एड ऑन है। और बैक साइड ऑफ द स्नीकर आप देख सकते हो, यहाँ पर एयर जॉर्डन का लोगो स्टिच्ड है, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये गोल्डन या येलो कलर में स्टिच्ड है। ऑल्सो आप ये टंग देख सकते हो, ऑफ वाइट का कैनवस मटेरियल दिया हुआ है। एंड यहाँ पर एयर जॉर्डन का लोगो स्टिच्ड है, जो है ना ऑलिव कलर में है। इनर सोल की अगर हम बात कर लेते हैं, आप देख सकते हो व्हाइट कलर का जंपमैन का लोगो है, और है ना ऑलिव ग्रीन कॉर्नर में है, और अंदर से ऑरेंज कलर का सोल है। मिड सोल आप देख सकते हो व्हाइट कलर का मिड सोल है। एंड डाउन सोल आप देख सकते हो गम सोल दिया हुआ है इधर इन लोगों ने, जो है ना मैच कर रहा है स्नीकर को। तो एक बार मैं स्नीकर का लुक अराउंड दिखा देता हूँ आपको। तो यार दैट्स इट रिलेटेड टू द स्नीकर। अगर हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो ये स्नीकर का रिटेल प्राइस था 9,695 रुपीस, जो कंपेयर टू दूसरे जॉर्डन लोस थोड़ा हायर रिटेल प्राइस था। एंड ऑब्वियसली आपको ये स्नीकर अभी तो रिटेल में नहीं मिलेगा, और आपको रीसेलर्स को ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा अगर आपको ये स्नीकर होना है तो। मेरे को लगता है ये स्नीकर आपको 13,000 to 16,000 के रेंज में मिल जाना चाहिए। अगर आप मेरे पर्सनल ओपिनियन के लिए पूछे तो है ना, मेरे को तो ये कलरवे इतना अच्छा नहीं लगा। बट अगर आपको अच्छा लगा कलरवे, तो आप डेफिनेटली ये स्नीकर खरीद सकते हो। और अभी इसका रीसेल वैल्यू भी इतना हाई नहीं है, तो डेफिनेटली अगर आपको ये कलर अच्छा लगा है, तो आप ये स्नीकर पर जा सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर मी इन दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।